साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं। जिस बच्चे ने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है। आज का चैप्टर हमारा सेकंड है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इस कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को आज, और इस चैप्टर में से हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, कितने साइज में मिलता है, टी स्क्वायर क्या होता है और इसके भी कितने साइज होते हैं, फिर ड्राफ्टिंग मशीन क्या होती है, पेंसिल का आप सभी को पता है लेकिन ड्राइंग में कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं हम, कितने तरह के उसके ग्रेड होते हैं और ग्रेड का क्या मतलब होता है आज की वीडियो में ये भी देखेंगे। फिर इसके आगे पढ़ेंगे सेट स्क्वायर क्या होता है, प्रोटेक्टर यानी कि चंदा क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। इसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट बचते हैं हम उसको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कह सकते हैं, यानी ड्राइंग जो आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो उसमें जो जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कंपस यानी कि प्रकार, डिवाइडर, स्केल, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल इरेजर, इरेजिंग शील्ड, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पिंस, इनमें से कुछ का आपको पता भी होगा और कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जैसा कि हर वीडियो में होता है, वीडियो के अंत में हम आपको ड्राइंग फाइल में इस चैप्टर में से क्या ड्रा करना है और कैसे ड्रा करना है वो भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है ड्राइंग बोर्ड। बात करते हैं कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस भी बोर्ड पे आप ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट को रख कर ड्राइंग बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट या पेपर को रखने के लिए किया जाता है, यानी जिसके ऊपर आप पेपर रख के ड्राइंग शीट बनाते हैं। दूसरी मुख्य बात जो याद रखनी है ड्राइंग बोर्ड से वो है, ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए हम अच्छी क्वालिटी की सीधी और बिना गांठों की अच्छी सीजनिंग, वेल सीजन्ड इंग्लिश में कह सकते हैं, की हुई लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चीड़ और देवदार की लकड़ी। अब जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो मुख्यतः लकड़ी का बना होता है, और उसको बनाने के लिए हम किस प्रकार की अच्छी क्वालिटी की, और वो लकड़ी जिसमें गांठ ना हो और जिस पर एक प्रोसेस का नाम है सीजनिंग, इसको बोलते हैं सीजन की हुई लकड़ी का प्रयोग करना है। सीजनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, आप कई बार देखते हो आपके घरों के खिड़कियाँ दरवाजे गर्मियों के मौसम में तो वो आसानी से खुलते हैं, बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो आप वो जब बंद करते हैं तो वो टाइट बंद होते हैं और टाइट ही खुलते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो उस टाइम मौसम में ज़्यादा नमी होती है और जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं उनकी जो लकड़ी है वो आसपास की नमी को सोख लेती है, जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ जाता है, और गर्मियों के मौसम में वो जो उसका मॉइस्चर था वो रिमूव हो जाता है और उसकी वजह से वो थोड़ा सा साइज कम हो जाता है, इसलिए वो आसानी से खुलते और बंद होते हैं। लेकिन जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड में हम वेल सीजन्ड लकड़ी का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसी लकड़ी जिस पर मौसम का प्रभाव नहीं होता, इसके लिए प्रोसेस करनी होती है जिसको बोलते हैं सीजनिंग। तो सीजन की हुई लकड़ी का प्रयोग हमें ड्राइंग बोर्ड के लिए करना है। और कौन से पेड़ की लकड़ी हम मेनली यूज करते हैं, चीड़ या देवदार की लकड़ी का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। फिर आगे ड्राइंग बोर्ड हमेशा पट्टियों यानी कि नैरो स्ट्रिप में बनाया जाता है और इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल समतल होता है। यह कहता है कि जो ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है वो एक पीस में ना बनाकर छोटी छोटी स्ट्रिप में, पट्टियों में बनाया जाता है। इसके लिए आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है ड्राइंग बोर्ड का। आप देख सकते हो कि जो बोर्ड का निचला हिस्सा है वहाँ ये पट्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पट्टियाँ अलग अलग आपको नज़र आ रही होंगी। तो ड्राइंग बोर्ड एक पीस में ना बनाकर अलग अलग स्ट्रिप में जोड़कर बनाया जाता है। आप एक मेरे पास ड्राइंग बोर्ड है उसको भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये, इस प्रकार से अलग अलग पट्टियों को जोड़कर ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है। और इनको सहारा देने के लिए ये जो दो लगाए गए हैं इनको बोलते हैं बैटन, और स्क्रू की मदद से इनको टाइट कर देते हैं। इनका काम क्या है, ताकि जो ड्राइंग बोर्ड है वो रैप ना हो, मुड़े ना, लेकिन जो इसका ऊपर वाला सिरा होता है वो बिल्कुल समतल होता है, प्लेन होता है। इसी के ऊपर ड्राइंग शीट को रख के हम ड्राइंग बनाते हैं। कई बारी आजकल जो इस सरफेस को लेमिनेट भी कर देते हैं, लेमिनेशन वाला सरफेस भी हम यूज करते हैं। तो ये ड्राइंग बोर्ड था, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका ऊपर वाला सिरा जो है बिल्कुल प्लेन है, नीचे ये पट्टियों में बनाया गया है। अगला जो पॉइंट इसमें से याद रखना है,
मुड़ने या रैपिंग से बचाने के लिए पट्टियों के नीचे दो बैटन, अभी मैंने जो डायग्राम में आपको दिखाए हैं दो बैटन लगाए जाते हैं। इन बैटनों का काम होता है कि ड्राइंग बोर्ड मुड़ ना जाए, जो पट्टियां हैं मुड़ ना जाए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड की पट्टियों को मुड़ने से बचाने के लिए उसके नीचे क्या लगाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बैटन। या क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि ड्राइंग बोर्ड में बैटन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ऑप्शन में आपको गिवन होगा कि रैपिंग से या मुड़ने से बचाने के लिए, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अगली जो मुख्य बात है, ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे यानी कि लेफ्ट एज पर कठोर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है जिसे एबोनी वर्किंग एज कहा जाता है। इस पर टी स्क्वायर का हेड स्लाइड करता है। देखो डायग्राम में ये जो इधर वाला सिरा है, बाईं तरफ का सिरा, यहां पर एक पट्टी और लगाई जाती है। इस पट्टी का काम क्या है, जब इसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग टी स्क्वायर की मदद से बनाई जाती है, तो टी स्क्वायर का जो हेड है इसके ऊपर स्लाइड करता है, इसीलिए इसको वर्किंग एज या वर्किंग एबोनी एज कहा जाता है। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड में एबोनी वर्किंग एज किस साइड होता है, मेनली कहाँ होता है, वो बाएं सिरे की तरफ होता है। तो ये था ड्राइंग बोर्ड के मुख्य मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है साइज। अब ड्राइंग बोर्ड बाजार में अलग अलग साइज में उपलब्ध होता है, तो ये साइज आपको याद भी रखने हैं किन किन साइज में वो ड्राइंग बोर्ड मिलता है। तो देखते हैं साइज, जैसे पिछली वीडियो में हमने ड्राइंग सीट के साइज देखे थे, उसकी डेजिग्नेशन ए से शुरू होती थी, और इसी प्रकार जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी डेजिग्नेशन होती हैं वो डी से शुरू होती हैं, डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री। इसी प्रकार चार ड्राइंग बोर्ड मुख्य तौर पर मिलते हैं, डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री। इनके साइज क्या क्या हैं, देखो जो साइज हैं तीन डायमेंशन दी गई हैं, जो पहली डायमेंशन है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी है विड्थ यानी चौड़ाई को, और जो थर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है थिकनेस को। जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है, एक इसकी लेंथ आपको बतानी पड़ेगी ड्राइंग बोर्ड की, दूसरी चीज़ इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई बतानी पड़ेगी, और इसकी थिकनेस, इस सिरे की थिकनेस कितनी है। तो तीन डायमेंशन आपको याद करनी है ड्राइंग बोर्ड में। तो पहले देख लेते हैं डी जीरो के लिए साइज क्या रहेगा, 1500 × 1000 × 25 mm, ये सारे साइज मिलीमीटर में है। और जो डी जीरो ड्राइंग बोर्ड है वो कौन सी सीट के लिए यूज होता है, ए जीरो जो ड्राइंग सीट है उसके लिए यूज होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री क्या होते हैं, और आपको याद होगा ए जीरो का साइज कितना था, 841 × 1189 mm। तो इस साइज जो ड्राइंग सीट है ए जीरो, उसके लिए जो बोर्ड यूज होता है वो होता है डी जीरो, और उसका साइज क्या होता है, 1500 × 1000 × 25, यानी 1500 उसकी लंबाई है, 1000 उसकी चौड़ाई है, और 25 mm उसकी मोटाई है, थिकनेस है। इसी प्रकार जो डी वन का साइज है वो क्या हो जाएगा, 1000 × 700 × 25, और कौन सी सीट के लिए इसको यूज किया जाता है, ए वन ड्राइंग सीट के लिए। डी टू ड्राइंग बोर्ड का साइज होगा 700 × 500 × 15 mm, और ये यूज ए टू ड्राइंग सीट के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ड्राइंग बोर्ड डी थ्री का जो साइज है वो है 500 × 350 × 15 mm, और इसका यूज ए थ्री सीट के लिए किया जाता है। तो ये थे साइज ड्राइंग बोर्ड के, आप इनको याद कर लेंगे। और एक छोटी सी ट्रिक भी है याद करने की, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो, पहला जो साइज है वो 1500 × 1000 × 25 आपको याद करना पड़ेगा, इसके बाद जो इसकी विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो अगले बोर्ड की लंबाई बन जाती है। देखो ये 1000 इसकी डी जीरो की चौड़ाई है, ये नेक्स्ट बोर्ड जो डी वन है उसकी लंबाई है, इसी प्रकार डी वन की जो चौड़ाई है वो डी टू की लंबाई बन जाती है। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, डी टू की जो चौड़ाई है वो डी थ्री की लंबाई बन जाती है। तो 1500 × 1000 × 25 याद करने के बाद नेक्स्ट जो शुरू होगा वो 1000 से शुरू होगा, 1000 × 700 × 25, जो नेक्स्ट शुरू होगा वो 700 से होगा, नेक्स्ट 500 से। इसके बाद थिकनेस, जो पहले दो बोर्ड हैं डी जीरो और डी वन, उनकी थिकनेस 25-25 mm है, और जो अगले दो बोर्ड हैं उनकी थिकनेस 15-15 mm है। तो आप इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड को याद भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ड्राइंग बोर्ड के साइज, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है, इसके मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। टी स्क्वायर एक ऐसा ड्राइंग उपकरण है जिसका प्रयोग ड्राइंग सीट पर अक्षतिज रेखाएं, अक्षतिज रेखाएं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए, तथा
सेट स्क्वायर को सारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर अभी आएगा आगे, अभी इसको भी पढ़ेंगे हम। तो जो टी स्क्वायर है एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम जो सेट स्क्वायर उसको सारा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको टी क्यों कहा जाता है। इसका जो आकार है वह अंग्रेजी के अक्षर टी की तरह होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर भी एक कठोर और अच्छी सीजनिंग वेल सीजन्ड की हुई लकड़ी की दो पट्टियों द्वारा बनाया जाता है। इसमें भी दो पट्टियां हैं, दो पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है और टी की शेप दी जाती है ऐसे। जो लॉन्ग स्ट्रिप है उसको बोलते हैं ब्लेड, और जो शॉर्ट ट्रिप है जो छोटी पट्टी है उसको बोलते हैं हेड या स्टोक। और ये जो दोनों स्ट्रिप हैं एक दूसरे से मजबूती के साथ समकोण यानी कि राइट एंगल जिसको हम कह सकते हैं 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं। तो इसका भी हम डायग्राम देख सकते हैं, ये है टी स्क्वायर। इसमें दो पट्टियां हैं, एक पट्टी ये है छोटी पट्टी, छोटी पट्टी को हम हेड या स्टोक कहेंगे, एक बड़ी पट्टी है जिसको हम ब्लेड कहते हैं। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ी होती हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए करते हैं। तो ये जो सिरा है, ये ऊपर वाला जो सिरा है, इस सिरे का प्रयोग करते हैं हम लाइनें खींचने के लिए। जब ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड पे हम टी स्क्वायर को लगाते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया ये टी स्क्वायर है, ये ड्राइंग नीचे ड्राइंग बोर्ड है, ऊपर ड्राइंग शीट है, तो ये ऐसे स्लाइड करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, और जो ये सिरा है ये लाइनें खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये कौन सी लाइनें खींचता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमारी अक्षतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। जैसे हमें ऊपर लाइन खींचनी है तो इसको हम ऊपर स्लाइड करा लेंगे, नीचे हमें लाइन खींचनी है तो हम इसको नीचे स्लाइड कराएंगे। ये सेट स्क्वायर है, दिखाया भी गया कि कैसे सेट स्क्वायर को हम सारा देने के लिए भी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके मुख्य बिंदु। लकड़ी के अलावा टी स्क्वायर प्लास्टिक या सेलुलॉइड से भी बनाए जाते हैं। भाई लकड़ी का तो प्रयोग होता ही है, इसके अलावा आजकल प्लास्टिक या सेलुलॉइड भी एक तरह की प्लास्टिक की तरह ही मटेरियल होता है, उसके भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेड या स्टोक का आंतरिक किनारा और ब्लेड का ऊपरी सीधे किनारे को वर्किंग एज कहते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा था, उसने कहा जो हेड है ये हमारा हेड है, हेड का आंतरिक सिरा ये वाला सिरा, और जो ब्लेड है उसका ऊपरी सिरा ये सिरा, इसको हम वर्किंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्किंग एज, क्योंकि सारा वर्क इन दो एज का ही है और ये बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे होने चाहिए। इस सिरे का प्रयोग, हेड वाला जो वर्किंग एज है इसका प्रयोग हम स्लाइड करने के लिए करते हैं। जो ड्राइंग बोर्ड का एबोनी वर्किंग एज था उसके ऊपर इसको स्लाइड कराते हैं। इस जो ऊपरी सिरे का प्रयोग करते हैं हम लाइनें खींचने के लिए, इसलिए इन दोनों एज को वर्किंग एज कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा टी स्क्वायर के बारे में। अब देखते हैं टी स्क्वायर के साइज। जैसे ड्राइंग बोर्ड के साइज होते हैं ऐसे ही टी स्क्वायर भी अलग अलग साइजों में मिलता है। इसके साइज याद रखने आसान है क्योंकि इनका जो साइज है टी स्क्वायर का वो मापा जाता है उसकी ब्लेड की लंबाई से। जो भी डायग्राम में हमने देखा था, ये जो ब्लेड है ये कितनी लंबाई का है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके आधार पर उसके अलग अलग साइज दिए जाते हैं। देख लेते हैं डेजिग्नेशन। जैसे ड्राइंग बोर्ड की D0 शुरू होती थी ऐसे टी स्क्वायर की T0 से। तो इसके भी चार हमारे पास साइज हैं, T0, T1, T2 और T3। T0 जो टी स्क्वायर है वो कौन से ड्राइंग बोर्ड के लिए यूज होता है, D0 के लिए। इसी प्रकार जो टी स्क्वायर T1 है वो कौन से ड्राइंग बोर्ड पे यूज होता है, D1 ड्राइंग बोर्ड पे यूज होता है, और T2 D2 पे यूज होता है, और T3 जो टी स्क्वायर है वो D3 पे यूज होता है। साइज कैसे हैं, जो T0 है उसका साइज है 1500 mm। अभी हमने बताया इसमें सिर्फ लेंथ कंसिडर करते हैं हम, ब्लेड की लंबाई कितनी है। और जब हमने साइज पढ़े थे ड्राइंग बोर्ड के, D0 का साइज कितना था, 1500 × 1000 × 25 mm। तो जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है वही हमारे T0 की लंबाई है। इसी प्रकार जो T1 है किसके लिए होता है, ड्राइंग बोर्ड D1 के लिए, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 1000 mm। T2 के लिए 700 mm, T3 के लिए 500 mm। ये ड्राइंग बोर्ड से ही लंबाइयाँ ली गई हैं 1500, और D1 का आपको पता है कितनी थी, 1000 × 700 × 25। तो जो लंबाई थी 1000 वो टी स्क्वायर की, जो T1 टी स्क्वायर है उसके लिए भी हम 1000 का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार T2 ड्राइंग बोर्ड D2 के लिए जो होता है, तो इसकी जो लंबाई है साइज है वो 700 mm है, इसी प्रकार T3 का 500 mm है।
तो ये थे साइज टी स्क्वायर के, ये भी याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन। अभी हमने बात करी थी जो टी स्क्वायर है उसका प्रयोग करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाने के लिए। आगे आएगा सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं हम किसी भी एंगल पर जो 15 के मल्टीपल होते हैं उन पर लाइन खींचने के लिए या पैरेलल लाइन खींचने के लिए। उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टर, जिसका प्रयोग हम किसी भी एंगल को मापने के लिए, 0 से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल उनको मापने के लिए या उन एंगल पर कोई लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो ड्राफ्टर है ये सारे काम एक ही इंस्ट्रूमेंट से किए जा सकते हैं। तो ये सारे काम एक ही इंस्ट्रूमेंट से किए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहां पर ये हिंज है, ये ड्राइंग बोर्ड में सेट हो जाता है ये हिस्सा। यहां पर दो स्केल हैं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर जुड़े होते हैं। यहां पर जो ये गोलाई में दिया गया है ये आपका प्रोटेक्टर का काम करता है, यानी एंगल को मेजर करने का काम करता है, और आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की लाइनें इससे खींच सकते हैं। इसका प्रयोग डिप्लोमा और डिग्री में ज़्यादा होता है, आईटीआई में इसका प्रयोग हम कम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल जो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन से लेने, हमने बताया था कि 3H, 2H और HB ग्रेड की पेंसिल आप खरीद लो। आज हम बात करेंगे वो पेंसिल के ग्रेड किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं और उनका क्या महत्व है, क्या उसका इफेक्ट होता है अलग अलग ग्रेड का। तो आइए ड्राइंग पेंसिल के मुख्य मुख्य बिंदु देखते हैं। ड्राइंग को साफ और सुंदर बनाने के लिए ड्राइंग पेंसिल का बहुत ही अहम रोल होता है, तो हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की वेल शार्पन्ड पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। वेल शार्पन्ड मतलब अच्छी तरह से छिली हुई पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल का, तभी हमारी ड्राइंग बहुत सुंदर बनेगी। फिर पेंसिल का जो खोल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हेक्सागनल होता है, हेक्सागनल मतलब षटभुजाकार होता है, ताकि पेंसिल की पकड़ अच्छी तरह से बनी रहे, हाथ में उसकी पकड़ अच्छी तरह से बनी रहे। तो आप देखते हो जो पेंसिल का खोल होता है लकड़ी का, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हेक्सागनल शेप होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है स्पेशली। पूछता है कि पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शनल है वो किस शेप का होता है, तो किस शेप का होता है, मेनली हेक्सागनल शेप का होता है, ताकि पकड़ अच्छी बनाए। अगला पॉइंट है पेंसिल का जो लेड है, पेंसिल का सिक्का जिससे हम लिखते हैं, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्रेफाइट और काओलिन। मेनली ग्रेफाइट का बना होता है, उसके बाद उसमें काओलिन मिला जाता है, और काओलिन जितना हम ज्यादा मिलाएंगे उसकी जो हार्डनेस है, पेंसिल के लेड की जो हार्डनेस है वो बढ़ती रहेगी। तो पेंसिल की जो कठोरता है, हार्डनेस है, वो काओलिन की मात्रा पर निर्भर करती है। पेंसिल का जो आगे से पॉइंट है छीलते हम, वो भी दो तरह का होता है, एक होता है कोनिकल शेप यानी कि नोकदार, जिसका प्रयोग हम करते हैं मेनली मुख्य तौर पर, और दूसरा एक चीजल शेप होता है, चीजल की तरह, जैसे चीजल होती है आगे से चपटी, तो उस प्रकार का भी हम लेड यूज कर लेते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः लाइन खींचने के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर हम नोकदार यानी कि कोनिकल शेप ही यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल हम मैकेनिकल पेंसिल का प्रयोग भी करते हैं, यह अलग अलग लेड साइज में मिलती है और यह प्रयोग में आसान होती है। तो आपने देखा होगा आजकल बाजार में मैकेनिकल पेंसिल भी यूज होती है, जिसमें सिक्के की आपको छुलाई नहीं करनी होती, वो अलग अलग लेड साइज में मिलते हैं आपको, सिर्फ आपको पीछे से उसको बटन दबा के जैसे जैसे वो घिसता रहता है उसको आप आगे बढ़ाते रहते हो और काम करते रहते हो, तो यह काम करने में थोड़ा सा आसान होता है। तो ये थे पेंसिल के मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं अलग अलग ग्रेड पेंसिल के। पेंसिल के ग्रेड में दो चीज़ें ज़्यादातर लिखी होती हैं, एच और बी। एच का मतलब होता है हार्डनेस, यानी कितनी सख्त है, कितनी हार्ड है, यानी कठोरता। बी से है ब्लैकनेस, यानी जैसे जैसे बी के ग्रेड बढ़ेंगे वो पेंसिल उतनी ही ब्लैक होती रहेगी, और जितने जैसे जैसे एच के ग्रेड बढ़ेंगे वो पेंसिल उतनी ही कठोर या हार्ड होती रहेगी। तो मुख्य कौन कौन से ग्रेड हैं वो देख लेते हैं। HB पेंसिल सभी ने देखी है नॉर्मली, अभी तक हमने HB पेंसिल यूज की है। तो इस HB पेंसिल से हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे आप देखोगे जो पेंसिल थी पहले गाढ़ी थी, ये लेड से पेंसिल को चलाकर दिखा रखा समझाने के लिए, उतनी ही फिक्की होती जा रही है,
लेकिन जैसे जैसे हम एच बी से इधर बढ़ रहे हैं और साइज जैसे बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बी इधर बढ़ रहे हैं, तो पेंसिल की जो लिखावट है वो उतनी ही गाढ़ी होती जा रही है और जो इसकी कठोरता है वो कम होती रहती है। यानी ये पेंसिल जैसे इधर आएंगे उतनी ही सॉफ्ट होती रहेगी। तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है? ये है। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? ये है 9H। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि सबसे हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी है? 9H। ऑप्शन में अगर 9H है तो 9H होगा। इसके अलावा अगर चार ऑप्शन वो ऐसे दे दे सबसे हार्ड पेंसिल बताओ 3H 4H 5H 6H इनमें से बताओ, तो 6H उनमें से जो ऑप्शन में दी गई सबसे हार्ड होगी। ऐसे ही सॉफ्ट पेंसिल के बारे में पूछ लेते हैं। तो पेंसिल जितनी सॉफ्ट होती जाएगी, जो उसका लेड है उसकी जो लिखाई उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी, लेकिन पेंसिल का लेड सॉफ्ट भी होता रहेगा। यानी आपको बहुत उसको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। जितना अगर थोड़ा सा जोर डाल दोगे उसका सिक्का तुरंत टूट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ती है उसकी जो लिखावट है वो फीकी होती रहती है, लेकिन जो लेड है वो उतना ही हार्ड होता रहता है। आप सख्ताई से भी अगर ज़्यादा सख्ताई से लिखोगे तो पेज में भी गड्ढे कर सकते हैं। हम चुनाव कैसे करते हैं, बात आती कि इतने तरह की ग्रेड की पेंसिल बाजार में उपलब्ध है, इनका चुनाव कैसे करते हैं? चुनाव के लिए हम तीन मुख्य बिंदु देखते हैं। एक देखते हैं काम की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, यानी आपको कितना बढ़िया काम, कितनी एक्यूरेट काम करके देना है। दूसरी बात है ड्राइंग शीट यानी पेपर का प्रकार, आपने किस क्वालिटी का पेपर यूज किया है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार कैसे, अगर मौसम बारिश का है यानी नमी का मौसम है तो आप थोड़ी सी हार्ड पेंसिल ही यूज करोगे, अगर मौसम गर्मी का है तो थोड़ी सी सॉफ्ट पेंसिल भी यूज की जा सकती है। अब बात आ करते हैं ड्राइंग में कौन सी यूज करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य तौर पर 3H 2H H और HB ग्रेड की पेंसिल ही प्रयोग की जाती हैं। अगर आपको लाइन थोड़ी फिक्की चाहिए तो आप 3H या 2H का पेंसिल का प्रयोग करते हैं, और थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो H या HB का प्रयोग करते हैं। आगे आएगा एक चैप्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, अलग अलग तरह की लाइन के लिए अलग अलग तरह की ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ये उस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी लाइन के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल हमें चाहिए होती है। तो ये थे पेंसिल ग्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, अब आप जब ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो तो आपने देखा होगा उसमें ये दो इस तरह की ट्रायंगल मिलती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। इनका काम क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी 15 डिग्री के मल्टीपल एंगल होते हैं, जैसे 15 डिग्री 30 45 60 75 105 प्रकार से जो भी 15 के मल्टीपल हैं, उन एंगल पर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो में एक छोटी ट्रायंगल होती है और एक बड़ी ट्रायंगल होती है। जो छोटी ट्रायंगल होती है ये 45 डिग्री का कोण इधर बनाती है और 45 का इधर बनाती है, ये कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। और जो थोड़ी बड़ी होती है उसमें एक कोण 30 डिग्री का होता है, एक कोण 60 डिग्री का और ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो सेट स्क्वायर या ट्रायंगल पारदर्शी प्लास्टिक या सेलुलॉइड के बने दो समकोण त्रिभुज होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। देखो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं दोनों 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसलिए कौन सी ट्रायंगल है, ये है समकोण त्रिभुज, जिनका प्रयोग समानांतर यानी कि पैरेलल लाइन खींचने तथा 15 डिग्री के गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल एंगल, जैसे 15 30 45 60 75 105 आदि कोणों पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। तो ये था सेट स्क्वायर का उपयोग। नेक्स्ट करते हैं प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्टर है प्लास्टिक या सेलुलॉइड का बना गोलाकार सर्कुलर और अर्ध गोलाकार यानी कि सेमी सर्कुलर उपकरण होता है, जिसका प्रयोग 1 डिग्री के अंतर पर 0 से 180 डिग्री या 0 से 360 डिग्री तक के कोण मापने के लिए किया जाता है। जो सर्कुलर होता है उसमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण मापे जा सकते हैं, और जो हमारा अर्ध सर्कुलर यानी कि सेमी सर्कुलर होता है उस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के कोण मापे जा सकते हैं, और कितने अंतराल पर, 1-1 डिग्री के। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है या कम से कम हम कितने डिग्री का एंगल उस पर मेजर कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 1 डिग्री। हम कम से कम उस पर 1 डिग्री का एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये था प्रोटेक्टर के बारे में। नेक्स्ट है ड्रॉइंग ज्योमेट्री बॉक्स या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इसमें क्या क्या चीज़ आएंगे हमारी, कंपस, डिवाइडर, कंपस को प्रकार बोलते हैं, स्केल, पेंसिल इरेजर, पेंसिल शार्पनर, इरेजिंग शील्ड, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पिंस या क्लिप्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ के बारे में आपको पहले ही पता होगा, पेंसिल इरेजर, शार्पनर, ये सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनका भी ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले है कंपस, प्रकार
जिसको हिंदी में बोलते हैं एंड डिवाइडर। कंपास का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सर्कल खींचने के लिए, वृत्त खींचने के लिए, या जो आर्क है चाप खींचने के लिए किया जाता है। और जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर का प्रयोग डायमेंशन को स्थानांतरित करने यानी कि ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह है कंपास और डिवाइडर बड़े और छोटे आकार में मिलते हैं। हम प्रयोग के अनुसार उनका चुनाव करते हैं कि हमें छोटे प्रकार की जरूरत है कि बड़े प्रकार की जरूरत होती है। नेक्स्ट, स्केल। स्केल का प्रयोग डायमेंशन को मापने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। स्केल भी लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील और सेलुलॉइड के बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कम मोटे तथा डलवा किनारे वाले स्केल का प्रयोग किया जाता है। जिस स्केल के किनारे डलवा होते हैं, ऐसे टेपर में होते हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। स्केल वैसे तो कई साइज में मिलते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 150 mm या 300 mm लंबे स्केल का उपयोग करते हैं। ये स्केल सभी ने देख रखा होगा, यह स्केल का प्रयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल इरेजर। इरेजर का प्रयोग आपको पता है, जो फालतू या गलत लाइन है उनको मिटाने के लिए, या ड्राइंग में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ हटाकर नया जोड़ना है, उसके लिए करते हैं। तो हमेशा हमें जो इरेजर है नरम रबड़ वाली का प्रयोग करना चाहिए, ताकि लाइनें भी अच्छी तरह से मिट जाएं और ड्राइंग पेपर भी खराब ना हो। इसी प्रकार पेंसिल शार्पनर, आपको पता है पेंसिल शार्पनर का प्रयोग पेंसिल की लकड़ी को छाटने के लिए और सिक्के को तेज करने के लिए किया जाता है। यह भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। नेक्स्ट है इरेजिंग शील्ड। यह एक प्लास्टिक या स्टील की पत्ती होती है, जिस पर विभिन्न आकृतियों के खांचे कटे होते हैं। देखो अलग अलग है, कोई लंबाई है, कोई इस प्रकार गोलाई में है, तो अलग अलग प्रकार के खांचे इसके बीच में कटे होते हैं। इन खांचों को पेपर पर इस प्रकार रखा जाता है कि मिटाया जाने वाला भाग और लाइन खांचे के अंदर आ जाए, और अब इरेजर की मदद से उस भाग को मिटा दिया जाता है और दूसरी लाइन पर कोई असर नहीं होता। मान लिया आपको एक लाइन खराब हो जाती है, वो मिटानी है, तो जो लाइन मिटानी है उस लाइन को इस खांचे के अंदर लिया जाता है और रबड़ की मदद से उस लाइन को मिटा दिया जाता है। इसका फायदा यह है, जो उसके आसपास की लाइनें हैं वो खराब नहीं होती, ना वो मिटती, तो इसलिए इसका नाम भी इरेजिंग शील्ड है, यानी रबड़ से जो दूसरी लाइनें जो हमें नहीं मिटानी उनको शील्ड करके रखती है, बचा कर रखती है। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व। ये डायग्राम में आप देख रहे हो, फ्रेंच कर्व है। इसका प्रयोग इरेगुलर कर्व यानी कि अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए किया जाता है। आप देख रहे हो इसमें अलग अलग तरह के कर्व बने हुए हैं, तो जो ड्राइंग है उसमें अलग अलग तरह के कर्व बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी फ्रेंच कर्व है। नेक्स्ट, ड्राइंग पिंस या क्लिप। आपने देखे होंगे ये पिंस हैं और ये इस प्रकार की ड्राइंग क्लिप है। इनका प्रयोग जो ड्राइंग पेपर होता है, ड्राइंग शीट है, उसको ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग पिन आजकल कम यूज करते हैं, क्योंकि ड्राइंग पिन यूज करने से नुकसान ये था, ड्राइंग शीट पे गड्ढे हो जाते थे और वो जल्दी फट जाती थी। आजकल हम यूज करते हैं इस प्रकार की क्लिप का, ये चारों कोणों पर क्लिप लगा दी जाती है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर और हमारी जो शीट है वो फिक्स हो जाती है। तो ये थे हमारे सेकेंड चैप्टर के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिनका हमें उपयोग भी करना है और इनके बारे में पता भी होना चाहिए। और अब हम देखते हैं इस चैप्टर में से, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में से, आपको ड्राइंग फाइल में क्या और कैसे बनाना है। तो साथियों देखते हैं आज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर हमने किया है सेकंड, उसमें से क्या क्या ड्राइंग फाइल में बनाना है। तो जैसा हम हर पेज पे करते हैं, सबसे पहले हमें आउटलाइन लगानी है, एक एक सेंटीमीटर के निशान लगाकर चारों तरफ, फिर एक सेंटीमीटर नीचे लाइन खींचनी है, उस पर लिखना चैप्टर 2 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था ड्राइंग बोर्ड, तो ड्राइंग बोर्ड का ये चित्र बनाना है, ड्राइंग बोर्ड के साइज लिखने हैं, चित्र के नीचे बड़े अक्षरों में लिख दोगे ड्राइंग बोर्ड, यहाँ आपने साइज लिखे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो ये बॉक्स हैं D0, D1, D2, D3, D4 के लिए, ये सारे साइज बॉक्स बराबर होने चाहिए, नीचे लिख दोगे साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। ऐसे ही टी स्क्वेयर हमने पढ़ लिया, टी स्क्वेयर का डायग्राम बना दोगे, उसके साइज लिख दोगे टेबल में, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी प्रकार आपने लिखने हैं। अब आप देख रहे होगे ड्राइंग बोर्ड में जो ड्राइंग बोर्ड थे उनके नाम भी लिखे गए हैं, तो आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे D0 को एंटीक्यूरियन कहते हैं, D1 को डबल एलिफेंट कहते हैं, D2 को इंपीरियल बोलते हैं, D3 जो ड्राइंग बोर्ड उसको हाफ इंपीरियल बोला जाता है, D4 को क्वार्टर इंपीरियल बोला जाता है। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लिख सकते हो आप। तो ये पहला पेज है चैप्टर 2 का, नीचे आप अपने नाम भी लिख सकते हो, जैसे एक सेंटीमीटर की लाइन खींचकर नेम, ट्रेड, रोल नंबर। इसके बाद
सेकंड पेज पर सेट स्क्वायर का डायग्राम बना दोगे, प्रोटेक्टर का डायग्राम बना दोगे, स्टील रूल यानी हमने जो स्केल पढ़ा था उसका डायग्राम बना दोगे। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ऐसा ही साफ सुंदर बनाना है। उसके बाद फिर आउटलाइन तो हमने सभी पेज पे लगानी है। उसके बाद पेंसिल है, पेंसिल का डायग्राम बना दोगे, ये ग्रेड लिख दोगे एच बी से इधर 1B, 2B, 3B, 4B ऐसे करते हुए हम 7B तक जाएंगे, और 7B जो है सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल है, यहाँ लिखा जाएगा इधर 1H, 2H, 3H, 4H, up to 9H तक जाएंगे। 9H जो होती है सबसे हार्डेस्ट पेंसिल होती है, सबसे सख्त होती है, और एरो लगा कर ये बता दोगे जैसे जैसे हम इधर जाएंगे सॉफ्टनेस बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो हार्डनेस बढ़ेगी। एक कोई भी कंपास का डायग्राम बना सकते हो जैसे इसमें बनाया गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार ये ड्राइंग की 3 शीट बनेंगी, तो ये आपने बनानी है। तो उम्मीद है साथियों आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छी तरह समझ में आएगा कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, क्या उनके साइज होते हैं और कैसे उनको ड्रा करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।